अगर आप इतना सा भी कुछ खाते हैं एंड यू फील ब्लॉटेड, आपकी गट हेल्थ का इशू हमेशा ही रहता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, खट्टी डकारें, ये सब प्रॉब्लम्स आए दिन होती ही रहती हैं, तो आज का वीडियो है आपके लिए। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल पर। ये आशा करती हूं कि आप बहुत खुश होंगे और इस फेस्टिव सीजन का आनंद उठा रहे होंगे। वेल एज यू नो कि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और हमारे यहाँ ना त्योहारों और खाने में एक घनिष्ठ संबंध है, गहरा रिश्ता है। जब तक घर में पूरी पकवान ना बने, जब तक मिठाइयाँ ना बने, जब तक पार्टीज ना हो, ऐसा लगता ही नहीं कि त्यौहार है। एम आई राइट? आई एम श्योर आप सभी इससे सहमत होंगे। बट इसी सीजन में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि ये हैवी पकवान हमारे पेट को पसंद नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग ब्लॉटिंग से, एसिडिटी से, गैस से परेशान हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपका स्टमक स्ट्रांग है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो आप फेस्टिवल्स का मज़ा भी उठा पाएंगे, अच्छा अच्छा खाना भी खा पाएंगे और आपको कोई भी डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए। स्पेशली फेस्टिवल सीजन में तो ज़रूर फॉलो करती हूँ ताकि मैं फेस्टिवल्स का मज़ा ले पाऊँ, वो अच्छी अच्छी डिशेज जो हमारे घरों में बनती हैं खा पी पाऊँ और साथ ही साथ फिट रहूँ, वेट गेन ना करूँ। मोस्टली लोग फेस्टिव सीजन में बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लेते हैं क्योंकि मिठाइयाँ, ऑयली स्टफ बहुत खाया जाता है। तो जो आपको मैं आज टिप्स बताने वाली हूँ उससे आप वेट गेन भी नहीं करोगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और आपका स्टमक भी स्ट्रांग हो जाएगा, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हो जाएगा। जी हाँ, चलिए फर्स्ट टिप है छाछ। नाश्ते के आधे घंटे के बाद छाछ यानी कि बटर मिल्क जरूर पिया कीजिए, बिकॉज इसमें होते हैं गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स होते हैं इसमें, जो कि आपकी गट हेल्थ को सुधारते हैं, आपकी लिवर को स्ट्रेंथन करते हैं, गाल ब्लैडर को स्ट्रेंथन करते हैं और आप जो खाते हो वो आपको डाइजेस्ट होता है। मैं छाछ में थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला करके लेती हूँ, इसे आप दिन में जो भी खाओगे ना आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। दूसरी चीज़, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो मैं कभी नहीं भूलती दबाना। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मेरे स्टमक, मेरे गाल ब्लैडर, मेरे इंटेस्टाइंस को स्ट्रेंथन करते हैं जिससे कि मेरी गट हेल्थ अच्छी रहती है। तो बता देती हूँ वो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके स्टमक के लिए बता रही हूँ, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए उनको स्टिमुलेट करना है। एक है आपकी लिटिल फिंगर के नीचे वाली साइड पर, यहाँ फिंगर के ऊपर ही, बिल्कुल नीचे वाली साइड पर, यहाँ ये, इसको आपने स्टिमुलेशन देना है 30 सेकंड्स के लिए। और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है स्टमक का, यहाँ पर आपके अंगूठे के नीचे, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर इस तरीके से। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके पेनक्रियास के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इस तरीके से यहाँ स्टिमुलेशन दिया करें, और डाइजेशन के लिए तो है ही अच्छा, स्टमक के लिए तो है ही अच्छा। तो ये दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो गए आपके स्टमक के लिए। अब दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊँगी आपको गाल ब्लैडर के लिए। गाल ब्लैडर भी हमारे खाने के पाचन में बहुत हेल्प करता है, और अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, एसिडिटी है, या फिर खट्टी डकारे हैं, गैस है, तो दैट मीन्स गाल ब्लैडर में ही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप अंगूठे के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ जो अंगूठे का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ स्टिमुलेशन देंगे 30 सेकेंड्स के लिए, और अपने हाथ के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल हथेली के बीचों बीच, यहाँ स्टिमुलेशन देंगे 30 सेकेंड्स के लिए। ये पॉइंट्स आप दोनों हाथों में दबा सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट्स आपके गाल ब्लैडर को स्ट्रेंथन करेंगे, राइट? आपको गैस, खट्टी डकारे, इंडाइजेशन नहीं होगा। अब आपको बता रही हूं इंटेस्टाइन का पॉइंट, जो कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपको नहीं होगा। इंटेस्टाइन का पॉइंट है आपकी जो ये लिटिल फिंगर है, इसके जस्ट नीचे, यहां पर जस्ट नीचे हथेली पर, यहाँ आपने 30 सेकेंड्स के लिए स्टिमुलेशन देना है। तो आपका स्टमक, आपका गाल ब्लैडर और आपकी इंटेस्टाइन्स, तीनों की फंक्शनिंग इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से सुधरेंगी एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेस्टिवल फूड का मजा उठाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो फूड ना खाइए जो घर में बना है, लेकिन अपने पोर्शन को
स्मॉल रखिए। सपोज पूरी बनी है घर में, एक पूरी आप खा लीजिए और साथ में एक रोटी ले लीजिए या राइस ले लीजिए। चार पांच पूरी अगर इकट्ठे खा लोगे तो ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ अलाउ नहीं करेगी उसको। इसी तरीके से अगर सपोज हलवा बना है या और कोई मिठाई बनी है, आप हाफ पीस ले लीजिए या दो स्पून ले लीजिए, जिससे कि आपकी गट हेल्थ भी डिस्टर्ब ना हो और साथ ही साथ आप फेस्टिवल फूड का मजा भी उठा पाओ। तो अपना पोर्शन अगर आप लिमिटेड रखोगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पेट आराम से उसको पचा लेगा। टिप नंबर 4 है जिंजर एंड सिनेमन टी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल फूड का मजा इसलिए नहीं उठाते कि कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी जिम की मेहनत और हमारी डाइटिंग की मेहनत इस फेस्टिवल सीजन में खत्म हो जाए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप जिंजर टी पियोगे शाम को 4 से 5 बजे या रात को सोने से पहले, आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लीजिए, उसे 1 ग्लास पानी में उबालिए, उसमें 1 पिंच सिनेमन पाउडर डाल दीजिए और जब ये 1 कप रह जाए तो उसे छान करके पी लीजिए। आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये ड्रिंक अगर आप पियेंगे तो आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, आप फिट रहोगे, फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करोगे और फिट भी रह पाओगे। अब अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हमेशा ही रहती हैं, यू आर स्ट्रगलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स और आप एंटासिड्स लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि प्लीज़ इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है ये एंटासिड मेडिसिन आपको रिलीफ देती हैं नो डाउट, बट इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी बॉडी पर अच्छे नहीं हैं। ये एंटासिड केवल कुछ समय के लिए आपकी एसिडिटी को दबा देंगे, वो जाएगी नहीं, वो केवल दब जाएगी थोड़ी देर के लिए और अगले दिन फिर वापस आ जाएगी। तो एंटासिड्स बिल्कुल मत लीजिए, आयुर्वेदा अपनाइए। आप यूज कर सकते हैं कपीवा का डाइजेस्टिव केयर जूस, दिस इज अ ब्लिस टू योर बेली। आपकी गट हेल्थ को, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करता है ये। दिस इज द बेस्ट डाइजेस्टिव जूस क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज पर काम करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, जिससे ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार जो आपको हो रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसमें है आंवला, अजवाइन, जीरा, हींग और धनिया, जो कि पुराने जमाने से ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बून माने गए हैं। आंवला इज फुल ऑफ विटामिन सी, आपके लिवर के लिए वरदान है आंवला। जीरा डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, ब्लॉटिंग को खत्म करता है। हींग गैस्ट्रिक इश्यूज पर काम करती है, गैस को खत्म करती है और डाइजेशन को एड करती है। एंड धनिया आपके पित्त को शांत करता है और जब पित्त बढ़ता है उसकी वजह से ही आपका एसिड लेवल बढ़ता है शरीर में, जिससे कि आपको खट्टी डकारें आती हैं या कई लोग कहते हैं कि तेजाब बनता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप धनिये का सेवन करेंगे। आपके पेट को कूल एंड काम भी करता है धनिया और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। इंटेस्टाइन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है धनिया क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती है। एंड अजवाइन इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ योर गैस्ट्रिक सिस्टम, तो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है ये जूस। अब आप कहोगे कि वाई कपीवा, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, तो मैं आपको बता दूं, कपीवा इज अ मॉडर्न आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन ब्रांड फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग सिलेक्टिवली सोर्स्ड आयुर्वेदा इंस्पायर्ड नेचुरल फूड्स टू मॉडर्न डे कंज्यूमर्स एंड इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन इट्स वेबसाइट। अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो जितनी भी हर्ब्स इसमें यूज की गई है वो वहां से सोर्स की गई है जहां से वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल सकती है, जैसे कि आंवला। आंवला इसमें यूज़ किया गया है प्रतापगढ़ का, जहाँ पर बहुत अच्छा आंवला होता है, आंवले की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। इसी तरीके से जीरा और अजवाइन सोर्स किए गए हैं राजस्थान से एंड हींग को सोर्स किया गया है अफगानिस्तान से। आंवला इज एडेड एज अ पल्प टू लॉक इन द नेचुरल टेस्ट एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और सभी हर्ब्स एंशियंट आयुर्वेदा के अनुसार एक प्रिसाइज प्रोपोर्शन में मिक्स की गई हैं ताकि आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके, आपकी गट हेल्थ हमेशा के लिए स्ट्रांग हो सके, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको कभी ना हो। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट एनहेंसर नहीं मिलाया गया है, नो स्वीटनर, नो शुगर इन इट और GMP सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट। इसको कैसे कंज्यूम करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसे कंज्यूम करने से पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना है
30 ml ये जूस लेना है, उसे एक ग्लास पानी में मिक्स करना है एंड दिन में दो बार आप कंज्यूम करना शुरू कीजिए। कुछ दिन कंज्यूम करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कितनी सुधर चुकी है और अब आपको गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसकी आदत आपको नहीं पड़ती है। जैसे ही आपके डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व हो जाए, यानी कि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाए, आप इसे छोड़ सकते हैं और इसे आप ओकेजनली भी ले सकते हैं। अगर आपको कभी गैस फील हो रही है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, तो भी इसे ले सकते हैं और एज अ रेगुलर डाइजेस्टिव टॉनिक भी आप इसे ले सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी है, आई विल रिकमेंड कि वो भी इस जूस को जरूर पिए, बिकॉज आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वीक होने से ही शुरू होती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रेंथन हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा पेट 90% बीमारियों की जड़ है, तो पेट को ठीक रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इसे कंज्यूम कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। इट इज़ अवेलेबल ऑन कपीवाज ऑफिशियल वेबसाइट kapiva.in। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ज़रूर दे दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। वेल, इसके साथ साथ एक दो टिप्स और आपको मैं देना चाहूंगी। वो ये है कि कभी भी लेट नाइट डिनर ना करें। अगर 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, 10:30 बज गए हैं, इट्स बेटर यू अवॉइड डिनर। आप एक ग्लास दूध पीकर सो जाइए, दैट्स इट। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होगा। अगर डिनर करना है तो 7 और 8 के बीच में जरूर कर ले। दूसरी चीज जो बहुत बहुत जरूरी है, खाने की हर एक बाइट को एंजॉय करें, उसे 32 बार चबाएं और पूरे फोकस के साथ खाना खाएं। आपका सलाइवा आपके खाने में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब डाइजेशन आपका मुंह से ही शुरू हो जाएगा तो फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। तो मेक श्योर दैट यू ईट विद योर फुल सेंसेस। आपकी आंखें उस खाने को अच्छे से देखें, आपकी नोज से स्मेल कीजिए, आप अपने हाथों से टच करके खाना खाइए, अपनी जीभा से उसको एंजॉय कीजिए। व्हेन यू विल इन्वॉल्व योर ऑल सेंसेस, देन वो खाना आपके लिए अमृत बन जाएगा, मेडिसिन बन जाएगा। उसका पूरा फायदा आपके शरीर को होगा और वो कभी भी एसिडिटी, ब्लॉटिंग आपके शरीर में नहीं करेगा। और साथ ही साथ खाने के वक्त कभी भी टीवी ना ऑन कीजिए, फोन को अपने से दूर कर लीजिए और गुस्सा तो कभी भी मत कीजिए। तो इन तीनों चीजों को अपने से दूर रखिए और अपने खाने को एंजॉय कीजिए। आपको ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपका मन भी खुश होगा, आपका स्टमक भी खुश होगा। तो आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप भी फॉलो करोगे और अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारोगे, बिकॉज सारी बीमारियों की जड़ है हमारा खराब पेट। इसलिए इसे ठीक रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और इन टिप्स को फॉलो करके डेफिनेटली आपकी भी गट हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्सअप कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और भी बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस मैं इस फेस्टिव सीजन में आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।